उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की ये तबाही है। रापती घाघरा दामन जहाँ बिछाई है, दोनों नदियाँ यहाँ ऐसा ही चपेट किया। देवरिया गोरखपुर के दामन में समेट लिया, जिला बस्ती मऊआ जमगढ़ के में पसर करके हुआ फैलाव जल के जुल्म पर उतर करके। बाढ़ विनाश लीला ऐसी यह बिजोड़ किया, रिकॉर्ड 38-98 वाला तोड़ दिया। 138 में सैलाब आला, अरे निरहू भैया हो, अरे तुहरो क्षेत्रवा बढ़िया में डूबल बा। निरहू भैया हो, अरे पूरा हमारा जनता बढ़िया में डूबत बा। निरहू भैया हो, कहला कि हम गरीबन के मसीहा हई, हम के वोटावा लोगन दिहा। निरहू भैया हो, अरे तुहरो क्षेत्रवा बढ़िया में डूबल बा। निरहू भैया हो, निरहू भैया कहाँ गई। आज तक ले निरहू हमारे क्षेत्र भी आए नहीं है, ना जनता को कोई सुविधा देने की बात की है। सर बाढ़ नहीं घोषित होगी श्रीमान जी तो हम इसी बंधे पर सर धरना देंगे जनता के बीच। हम धरना देने के काम करेंगे, हमारी जनता सर परेशान है। जनता एक तो श्रीमान जी लाइट भी नहीं है, तमाम कीड़ा सर जो कि ऊपर आ रहे हैं। जनता हमारी परेशान है, मट्टी का तेल भी नहीं बटा सर। हमारी जनता खाने बिना सर मर रही है। जनता की कोई सुविधा, राशन की सुविधा नहीं है श्रीमान जी। जो जनता हमारी बाढ़ से बंधे पर पड़ी हुई है, धूप भी पड़ रही है श्रीमान जी, बारिश होगी सर तो जनता के रहने का ठिकान नहीं श्रीमान जी। कम से कम सर वो पल्लियाँ बन गई होती श्रीमान जी तो जनता से कम से कम हमारी जो बच्चा बच्चे सब हैं वो सब छाए सर रहते हैं। हमारा सब पशु भी सर मर रहे हैं, पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है श्रीमान जी। जोगी बाबा कहते हैं कि हम पशुओं की रक्षा करते हैं, हमारे जोगी मुख्यमंत्री कहाँ पर हैं, प्रधानमंत्री जी कहाँ पर हैं जो पशुओं सर मर रहा बाढ़ क्षेत्र में। बाबा भयंकर बनाई, रूपा भयंकर बनाई, पसरी गईली घाघरा फोफाई। रूपा भयंकर बनाई, पसरी गईली घाघरा फोफाई। हमारे दूठे मड़ई का घर हल साहब, वह मड़ई जन बाकी बह चुका, लड़का बच्चा सब सार भरे हम श्रीमान जी। लेकिन कहना बाकी, दोनों नदियन से पूरा जिला घेराई गईल, केतनन का बही गईल धारवा दुआरवा। अपन बचवले में सब लोग बेकाल भइल, केहू कनी केहू नाही होत बा सहारवा। अपने अपने में सौ साहब सब लोग व्याकुल बा, केहू के केहू किसान सहारा नहीं होता। अपना बचवले में सब लोग बेकल भइल, केहू कनी केहू नहीं होत बा सहारवा। आ भगले के मौका केहू नहीं पौल रतिया में, बोदी से बिछुड़ के बहल माई के दूलर। माई अपन बेटा बचावे की धन संपत्ति बचावे, सब जन बाकी नदी के धारा में बहत बा। किसान सर रोत बाटन, किसान कैसे रोत बाटन, अरे पीटी पीटी के छतिया रो वाला है। किसान का है रोत बाटन, किसान का मड़ई बह गल घर में पानी हल गल, किसान का गन्ना बह गल, किसान का धान बह गल, किसान का आज वो वाली फसल बा। आ किसान जन बाकी गेहूं से जन बा हाथ धोने जा रहे हैं, किसान रोत बाटन, किसान के आवाज केहू नहीं सुन वाला बा। धरती पर उठे सब पुत्र बैठे किसान है फौज का जवान, किसान सर रोत बाटन, माई बहन रोत बाटी, कैसे रोत बाटी की अरे पीटी पीटी के छतिया रो वाला। अरे गौआ के किसान राम, पीटी पीटी के छतिया रो वाला, गौआ के किसान राम। किसान रोत बाटे, माई बहन रोत बाटे, बिटिया बहन का शादी बा अगले महीना में,
तब बिटिया बहन के शादी कैसे कर। धान बह गल, धान के फसल हो चुकल रहल, धान के फसल बह गई, गन्ना जौन हमार किसान के रहल कि बेच के बिटिया बहन के शादी करब उहो भी बह गल, तो बेटी बहन के करे डाली लगी। माई बहन रोवत बाटी, पिटी पिटी के छतिया रोमा गाँवा का किसान राम, अरे नहकई में विधाता जी ऐसन दिहला तूफान राम, अरे ऐसन बाढ़ बरखा के बहुना बैल रहल जमुना राम, ऐसन बाढ़ बरखा के बहुना ही बल किसान आज परेशान हो। सर हमारे सरकार हमारे किसान को कोई ना सुविधा दे रही है। सर आप लोग अपने वीडियो के माध्यम से सर पहुंचाएंगे सारी हमारी जनता के सुविधा। आपको बता दें हैदराबाद में करीब करीब 16-17 गांव के बीच में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज करीब करीब मान के चलिए कि 84 से वो बना है और आज तक एक जो है डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हो पाई। जो है जच्चा बच्चा केंद्र बना है वह जनचा जच्चा बच्चा केंद्र जो है आज तक हैंडओवर नहीं हुआ है सरकार द्वारा, ना ही वहां महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई सहायता है। जब बार बार शासन व प्रशासन के लोगों को इस बात से अवगत कराया जाता है तो देश के हवाला देते हैं कि डॉक्टर नहीं है। आज इस विपत्ति के समय में भी जो है किसी भी प्रकार की कोई सुविधा स्वास्थ्य विभाग की नहीं है। स्थितियां बनती जा रही हैं, बिगड़ती जा रही हैं। यह स्थितियां मेरे क्षेत्र की हैं कि अब आपको क्या बताऊं कि सरकारी अनुदान बटेला ऊंट के में मुंह में जीरा। सरकारी अनुदान जो ना ऊंट के मुंह में खाली जीरा है। और हम लोगों को इससे नहीं है, हमें अनुदान ना दिया जाए, हमें समाधान दिया जाए, अस्थाई समाधान दिया जाए। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ कि अगर शासन व प्रशासन और डबल इंजन की सरकार के पास बहुत बड़ी योजना नहीं है। महुला गढ़वाल बांध 1956 में बनाया गया था, तब इस देश के पास पैसा था, प्रदेश के पास पैसा था, लेकिन 1952 से आज तक इस महुला गढ़वाल बांध की रिपेयरिंग तक किसी सरकार में नहीं हो पाई। हम लोग मांग करते हैं देवरांचल के लोग कि हम लोगों को अनुदान न दिया जाए, अस्थाई रूप से समाधान दिया जाए। और अस्थाई रूप से समाधान आपने सुना होगा मीडिया के माध्यम से कि चीन में एक हांगोह नदी थी, जो हांगोह नदी का जो है चीन में उसे जो है शोक कहा जाता था, लेकिन वहां की सरकारें जब उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने जो है उसको गोद ली सरकार, और आज वहां पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मक्का की खेती होती है, वहां का किसान माला माल। लेकिन हमारे आज अरबों की संपत्ति बर्बाद हो गई है, बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ है, किसानों की बदहाली 3-4 साल से लगातार यही स्थितियां हैं, 4 साल से स्थिति है। प्रत्येक साल हम लोगों की गन्ना बह जाती है, लेकिन केसीसी किसान जो है केसीसी कराया है, सरकार उसके इंश्योरेंस की पैसा ले लेती है, कंपनियां ले लेती हैं, लेकिन उस इंश्योरेंस से एक भी पैसे का हमारे किसानों को महुला से चिकिनियामा के बीच के लोगों को एक पैसे का लाभ नहीं मिलता है इंश्योरेंस। यह किसकी जिम्मेदारी है? शासन व प्रशासन के लोगों द्वारा बस केवल देवरांचल को छला जाता है, छलने के सिवा कुछ नहीं। इसी समय जो है 3 साल से गन्ना नहीं हुई है, किसानों के केसीसी को लेकर जो है प्रताड़ना शुरू हो गई है, तहसील से लगाकर और जो है बैंक तक के सारे लोग मांग रहे हैं। बताइए जब किसान के पास कुछ रही नहीं गया, वह अपना एक गन्ना का ही साधन है, गन्ने के साधन के भरोसे अपने बच्चे को पढ़ाता है, अपनी बेटी का हाथ पीला कराता है, अपना घर बनवाता है। पूरे इस देवरांचल में संसाधन नाम की कोई चीज नहीं है, अगर चीज है तो मात्र एक गन्ना। उस गन्ने के बावजूद भी आज उसका भी स्थितियां ये है कि दिन प्रतिदिन महंगाइयां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मेरे किसानों के प्रति जो इनका विचारधारा है, इस सरकार की जो रवैया है, इस सरकार का किसान और नौजवान अपने आप को बेरोजगार हो चुका है। किसान अपने आप में अभी आपने देखा होगा कि अभी 4 व्यक्ति जो है अभी 1 घंटे पहले 4 किसानों ने आत्महत्या की है केवल कर्ज के नाते। हमें शौक नहीं लगता है, हमारा गन्ना अगर अच्छा होता तो मैं किसान का जो है ब्याज सहित मैं जो है सरकार का पैसा वापस देता।
लेकिन मेरे इंश्योरेंस का जो पैसा कटता है प्राइवेट कंपनियां लेकर जाती हैं, उसको इस समय भी नहीं। हमारे देवरांचल के लोग दो महीने के बाद आइएगा महोदय जी, आप लोग सर्वे कर लीजिएगा मीडिया के पत्रकार बंधु कि एक आना किसी को छतपुट नहीं देती है इंश्योरेंस कंपनी। ये स्थितियां हैं, ये विडंबनाएं हैं। बार बार लोग कहते हैं, घूम घूम कर कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। जनप्रतिनिधि ये जान लीजिए कि इस देवरांचल के लोग इतने महान हैं आज भी कि अपने जनप्रतिनिधियों को बर्फी खिलाकर पानी पिलाते हैं मौला पर। ये समझ लीजिए कि इस देवरांचल के लोग कितने भोले भाले पब्लिक को केवल ठगने के सिवाय ये लोग कुछ नहीं करते हैं। हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हैदराबाद प्राथमिक स्वास्थ्य पर जच्चा बच्चा केंद्र का अति शीघ्र जो है हैंड ओवर कराया जाए और एक GNM की पोस्टिंग कराई जाए, जो है 16 गांव के बीच में हैदराबाद का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें सारी सुविधाओं से लैस किया जाए। वहां जो है तत्कालीन रूप से जो है डॉक्टर की पोस्टिंग की जाए और पोस्टिंग करने के बाद सारी क्यों कि बाढ़ हटने के बाद आप जान ही रहे हैं कि कहीं पशुओं की समस्याएं बढ़ेंगी, पशु बीमार पड़ेंगे। आप जो है बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको, क्योंकि अब यही तो 10 दिन के बाद जो है इतना यहाँ जो है रोग फैलेगा कि उसके लिए जो है किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रह जाएगी। यह गरीबों और मजमूलों का क्षेत्र है। ये बेचारे जो है ये जान लीजिए कि 70% लोग ऐसे हैं जो गरीबी में है। अगर एक परिवार की तबीयत खराब हो जाती है तो पता चलता है कि उसके परिवार में कर्ज लद गया। अगर ये सरकारी अस्पतालें बनाए गए हैं, सारे कर्मचारियों को पेमेंट दिया जा रहा है, तो उसको अच्छी सुविधाओं से लैस किया जाए ग्राम पंचायत हैदराबाद का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिससे यह आने वाली जो प्राकृतिक जो है रोगों से लड़ने की जो क्षमताएं हैं वह यहाँ सुचारित रूप से हम अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जाँच करा सके। आज तक इसमें पैथोलॉजी की व्यवस्था नहीं हो पाई, आज तक पैथोलॉजी की व्यवस्था नहीं है कि मैं ब्लड और खून चेक करा सकूं। ये स्थितियां पूरे महुला से लगाकर और चिकनियावा के बीच तक है। यह 134 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें कटते 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 मात्र 42 जो है ग्राम पंचायतें जो है जहां जो है मौजूद है और क्षेत्रीय लोग वहां रहते हैं और सारी चली गई। यही देखते देखते हमारे 134 गांव के लोग जो है विस्थापित हो गए। अब 42 गांव का नंबर है इस देवरांचल में कि 42 गांव की अस्तित्व वह स्थितियां हो गई है। मेरे मित्रों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, क्या न समझो, हृदय में बहुत कुछ उद्गारे हैं। यहां के लोगों की जो समस्या है वह कहने से कम नहीं होगी मेरे, लेकिन यह डबल इंजन की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, यह जनहित के खिलाफ सरकार है, किसान के खिलाफ सरकार है, नौजवान के खिलाफ यह सरकार है। यह सरकार केवल जुमलेबाज है जो आफत और विपत्ति में मेरा साथ देने के लिए तैयार है। वह सरकार से मैं कैसे जनमानस का कल्याण की जो है कामना करूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।